पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा जय श्री राम का नारा लगाने वाले युवाओं पर कार्रवाई करने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जय श्री राम लिखे 10 लाख पोस्ट कार्ड भेजे जाने की बात कही थी। इसी क्रम में शनिवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय स्थित पोस्ट ऑफिस पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष रणजीत राय बड़े के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता एकत्रित हुए और बंद लिफाफे में जय श्री राम लिखा डाक पत्र पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता जी के पते पर पोस्ट कर बॉक्स में डालकर पोस्ट किया। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष रणजीत राय बड़े ने कहा, पोस्ट कार्ड नहीं मिला तो लिफाफा नहीं। इस सब बोल के लिखवाइए, ममता बनर्जी लिखिए, ममता बनर्जी 30B हरिश्चंद हरीश चटर्जी रोड, हरीश चटर्जी रोड, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरह से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी और हिंदुओं के ऊपर जय श्री राम जैसे पवित्र नारे को, आस्था से जुड़ा हुआ नारे को लगाने पे जिस तरह से प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, उसी के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा गोरखपुर महानगर के कार्यकर्ताओं द्वारा आज ममता बनर्जी के पते पे जय श्री राम लिखकर लिफाफे में भेजने का काम किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से ममता बनर्जी को इस बात का एहसास कराने के लिए कराने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया है कि आप देश ना ही आप पश्चिम बंगाल के अंदर और ना ही देश के अंदर कहीं भी किसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को जय श्री राम के नारे लगाने से रोक नहीं सकती। जब जब आप रोकने का प्रयास करेंगी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आपके आपका ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। जब भी आप देश के अंदर पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर दुर्व्यवहार करेंगी, हिंदुओं के ऊपर दुर्व्यवहार करेंगी, तो भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी और आपको आपकी औकात बताने का काम करेगी। ममता बनर्जी को इस कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक सिपाही होने के नाते इस बात की चेतावनी देता हूँ कि अगर आप पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदुओं को इसी तरह से आप अपमानित करेंगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इसी तरह से अपमानित करेंगी, वो दिन दूर नहीं कि आपको 2021 के होने वाले विधानसभा चुनाव में आप बंगाल से सत्ताविहीन होंगी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बंगाल का मुख्यमंत्री होगा।